मणिपुर जिसका प्राकृतिक सुंदरता के लिए जिस राज्य को बोला जाता है द ज्वेल ऑफ इंडिया, ये राज्य अभी संकट में शुरू हुआ है कम्युनल कॉन्फ्लिक्ट और हो रहा है वायलेंस। नमस्कार, मैं हूँ सायन और आप लोग देख रहे हैं मेरा वीडियो जिसका टाइटल है आवर रेस्क्यू फ्रॉम मणिपुर। मंडे 8 मई 2023 सुबह के 4:30 बज रहा था और हम वेस्ट बंगाल के 18 स्टूडेंट निकल रहे थे कॉलेज कैंपस से। मणिपुर से और कॉलेज कैंपस से निकलने का कारण था मणिपुर में होने वाला वायलेंस, जिसके वजह से हम स्टूडेंट लोग आतंक में और डरे हुए थे। मेघालय, अरुणाचल, सिक्किम, नागालैंड, मिजोरम, त्रिपुरा, आसाम, तेलंगाना, आंध्रा, उड़ीसा, हर स्टेट का गवर्नमेंट उनके स्टूडेंट को एवैक्यूएट कर रहे थे मणिपुर से। हम लोग भी हमारा स्टेट का ऑनरेबल CM ममता बनर्जी द्वारा प्रोवाइड किया हुआ हेल्पलाइन नंबर से कॉन्टेक्ट करके हेल्प मांगे और तुरंत एक दिन में हमारा स्टेट हमारा एवैक्यूएशन का बंदोबस्त कर दिया। ये जो क्लिप आप लोग देख रहे हैं वो है कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर, सेंट्रल एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी के कैंपस का, और हम यहाँ के स्टूडेंट लोगों को मणिपुर पुलिस सेफ पैसेज दे रहा था इम्फॉल एयरपोर्ट तक। एक बस हम लोगों को एयरपोर्ट तक लेके जाने वाला था तो उसी बस का हम इंतजार कर रहे थे। तो इधर सिक्योरिटी वाला हम लोग को आके बोलता है कि थोड़ा रुकने के लिए पहले मिजोरम का आर्मी और पुलिस फोर्स के साथ इवैक्यूएशन होगा एयरपोर्ट तक, उसके बाद हम लोग का बस आएगा और हम लोग को एयरपोर्ट लेके जाएगा। ये हम लोगों के लिए गवर्नमेंट ने बस भेज दिया था और हम लोग एक एक करके सब प्रोसीड्योर कंप्लीट करके बस में लगेज लोड कर रहे थे। यह है मणिपुर पुलिस जिनके मदद के वजह से हम लोग सेफली एयरपोर्ट तक पहुंच पाए। ये हम लोगों का बस चल पड़ा और आप लोग इस क्लिप में देख ही सकते हैं कि इम्फाल पुलिस फुल सिक्योरिटी के साथ हम लोग को सेफ पैसेज दे रहा था एयरपोर्ट तक। हम लोग के साथ इसी बस में राजस्थान के और भी 21 स्टूडेंट्स थे और हमारे पीछे भी एक बस था जिसमें आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के स्टूडेंट थे। ये हम लोग सेफली आ गए थे एयरपोर्ट और एयरपोर्ट में आके हम लोग देखे कि हजार हजार लोग एयरपोर्ट में है। सब लोग किसी न किसी राज्य में उड़ के जाने वाले थे और आए थे एयरपोर्ट। इम्फाल एयरपोर्ट में मैंने कभी पहले इस प्रकार का भीड़ नहीं देखा था। एयरपोर्ट के इस भीड़ में ज़्यादातर थे हमारे जैसे स्टूडेंट्स, मणिपुर में काम करने वाले बाहर के लोग और बहुत मणिपुर के लोग भी थे जो इस हालत के वजह से मणिपुर से अपने होम स्टेट और दूसरे जगह जाने वाले थे। एयरपोर्ट में इतना भीड़ होते हुए भी हम लोग का प्रोसीजर बहुत जल्दी ख़त्म हो जाता है और हम लोग चल पड़ते हैं प्लेन की तरफ इंडिगो के बस से। और ये प्लेन जो आप लोग देख रहे हैं ये हमारे लिए स्पेशली अरेंज किया था हमारे वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट ने। हम लोग प्लेन के अंदर सब आके बैठ पड़े और 8:20 AM को ये प्लेन टेक ऑफ करने वाला था। ये प्लेन टेक ऑफ कर चुका था और 1.5 घंटे में हम लोग पहुंचने वाले थे कोलकाता। प्लेन लैंड कर चुका था और हम लोग लगेज लेने
चले गए थे एयरपोर्ट के अंदर की तरफ। एयरपोर्ट के अंदर आके ही हम लोग देखते हैं हमारे वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट नवान्न के ऑफिशियल्स लोग एयरपोर्ट में आए हुए थे हम लोग को वेलकम करने के लिए, और हम लोग का वेलकम बहुत अच्छी तरह से होता है। उसके बाद हम लोग का होता है एक फ़ोटो सेशन गवर्नमेंट ऑफिशियल्स के साथ, और हम लोग एयरपोर्ट के बाहर चले जाते हैं। और बाहर जाके हम लोग देखते हैं बहुत मीडिया वाले आए हुए थे, हम लोग को पूछ रहे थे मणिपुर का हाल, हम कैसे सिचुएशन में उधर थे, और भी तरह तरह के क्वेश्चंस। सब कुछ हो जाने के बाद हम सब लोग अपने अपने घर की तरफ चले जाते हैं, और हम सबको छोड़ने के लिए गवर्नमेंट अपना कार्ड दिया था, और मैं चला गया हावड़ा स्टेशन गवर्नमेंट के कार से। और हावड़ा स्टेशन से मेरा ट्रेन था 4:25 PM को। हावड़ा स्टेशन आने के बाद मेरा ट्रेन आफ्टरनून को था, तो हावड़ा रेलवे पुलिस स्टेशन के वेटिंग रूम में मुझे रेस्ट करने दिया था। और उसके बाद मुझे होम स्टेशन तक छोड़ने के लिए एक ऑफिसर भी गया था हावड़ा रेलवे पुलिस स्टेशन से। तो हम सबको इतने अच्छे तरीके से मणिपुर से रेस्क्यू करने के लिए और अच्छे तरह से घर पहुंचाने के लिए वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट और ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर मैडम ममता बनर्जी का बहुत शुक्रिया, और शुक्रिया नवान्न के ऑफिशियल्स का इतना अच्छा ट्रीटमेंट करने के लिए, मणिपुर पुलिस और हावड़ा रेलवे पुलिस का भी बहुत बहुत शुक्रिया। सबके लास्ट में मैं स्पेशल थैंक्स बोलूँगा इंडियन आर्मी को। हमारे आने के भी 2-3 दिन पहले जब हालत और भी ख़राब था, तब जिस तरीके से प्रोटेक्शन देके उन लोगों ने मेघालय के स्टूडेंट को घर पहुँचाया, आई रियली सैल्यूट टू देम।